अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब लोग खैरियत से होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की जो है ना वो एक बहुत अच्छी और जैसे कि ग्लिटरी सी और ग्लैम सी लुक। जैसे कि आप जानते हैं कि जो है नेक्स्ट जो है शादियों का सीज़न आ रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ जो ब्राइडल या पार्टी मेकअप की जो लुक्स होते हैं वो शेयर की जाए। सो आज इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ऐसे लोग शेयर करूँगी जो आप पार्टी पर या जो है या ब्राइडल मेकअप एज मैर ब्राइडल मेकअप भी कर सकते हैं, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। ओके जी, तो आइए बात करते हैं आपने आईब्रोज की। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने जो है ना बेस वगैरह सेट कर ली थी थोड़ी बहुत, बिकॉज तो बहुत ज़्यादा देर लग जाती है इस वजह से। तो अब सबसे पहले क्या करूँगी मैं जो हूँ बेस वगैरह की डिटेल में भी मैं आपको किसी दिन जो है तफसील से बताऊंगी कौन कौन सी बेस मैं यूज़ करती हूँ, क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं आईब्रो सेट करूंगी। आईब्रो सेट करने के लिए आइए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आईब्रो सेट करने के लिए मैं क्योंकि मेरी जो हेयर ब्लैक है, तो मैं क्या करूँगी कि ब्लैक जो है ना ब्लैक एंड ब्राउन दोनों शेड्स को मिक्स करके लगाऊंगी। और ये आप देख सकते हो मैंने ये पहले भी काफ़ी अपनी वीडियोज में यूज़ करती हूँ, ग्लैमर बाय मैविश का ये पैलेट है, ठीक है। काफ़ी स्मोकी मतलब लुक्स के लिए है, बहुत अच्छा पैलेट है, आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हो। और सबसे पहले हम अपनी आईब्रो को करेंगे जिकॉम, ठीक है। कॉम करने के बाद क्या करेंगे, एक स्पून इस तरह का एक इस तरह से कॉम होगा और इस तरह से एंगल्ड जो है ना वो शेप में हमारा जो ब्रश होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह का हम जब ले रहे हैं ब्रश, अब मैं इस पर बिल्कुल एक एक डिप डिप कर रही हूँ ब्लैक में और एक डिप डिप कर रही हूँ जी ब्राउन में, ठीक है जी। तो इसके अलावा हम जैसे एक लाइन लगाते हैं मतलब आउटलाइन जैसे करते हैं, इस तरह से हम इसको फिल इन अप करेंगे, ठीक है। तो बड़े ही लेकिन बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं आपने मतलब ब्रश को प्रेस करना, क्योंकि फिर वो उससे जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा मतलब हो जाता है कि आपकी शेप का इशू। तो आपने बस बिल्कुल लाइट सा प्रेस करके तो उसको मतलब लाइटली ड्रैग करना है अपने ब्रश को भी, लाइक अ ब्रश उसे हैंडल करना है और लाइक अ पेन नहीं इसको आपने हैंडल करना, ठीक है। तो इस तरह से बालों को तो अच्छा कवर फिर करती हूँ, फिर भी बाल कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं। अच्छा जी, तो अब इसके बाद थोड़ी सी आउटलाइन जिसके मैंने नीचे वाले आईब्रो पर लगाई है, अब मैं ऊपर वाले आईब्रो पर भी इसी तरह से लगाने जा रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो आप आईब्रो को कर्व शेप दे सकते हो, स्ट्रेट भी शेप दे सकते हो, ठीक है, जिस तरह की भी आप शेप देना चाहो। बट जैसे कि किसी की नेचुरल जो है वो स्ट्रेट सी हैं तो वो फिर स्ट्रेट ही आ जाएंगी। बट ये कि आप उसको अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप उसको शेप में ला सकते हो, ठीक है। और जब आप एक बार मेकअप करना स्टार्ट कर देते हो इंटरेस्ट लेकर, तो आपको जो है काफ़ी अच्छा लगने लग जाता है जब आप मेकअप लुक्स क्रिएट करते हो और लोग आपकी अप्रिसिएशन करते हैं। सो ओके जी, अब मैं यहाँ से भी थोड़ा सा फिलिंग अप कर रही हूँ अपनी आईब्रोज को, लेकिन ज्यादा नहीं करूंगी, बिल्कुल लाइट से हैंड्स के साथ जस्ट, यानी यहां से नहीं करूंगी बिल्कुल फ्रंट से, ताकि जो मेरी आईब्रो की लुक है ना वो बिल्कुल ही नेचुरल सी ही रहे। और इसको अब कॉम कर रही हूँ मैं, ठीक है जी। तो ये मेरी आईब्रोज आप देख सकते हो बन चुके हैं, इधर वाला देखिए इस तरह का ही है अभी, वो अभी मैंने नहीं छेड़ा, अभी सिर्फ इस आंख पर मैंने आईब्रो को सेट किया है जस्ट कि आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से आईब्रो सेट हो चुका है जी। जहाँ तो अब हम क्या करें, अब हम एक बहुत ही डार्कर बहुत इतना भी ज़्यादा नहीं ब्राउन सा कलर ले रहे हैं, मैं कलर भी आपको मेंशन कर दूंगी। और पैलेट ले रही हूँ मैं मोर्स कोड का, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा पैलेट है, पिगमेंटेड भी है और कलर्स उसके इतने ज़्यादा ना बिखेड़ा भी नहीं डालते। ओके जी, अब क्या करेंगे हमने, अब आपने थोड़ा सा गौर ये करना है कि मैं किस तरह से जो है ना वो लुक बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि आपकी जो लुक है ना एज इट इज़ बन जाए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसमें से पाउडर लूँगी, पाउडर क्योंकि मैंने आईज़ पर इस भी पैलेट में बहुत अच्छा सा ये एक लूज पाउडर के तौर पर भी काम कर जाता है, तो मैं तो यहाँ से ये वाला उठा के आराम से लगा लेती हूँ।
नहीं जी, अब वो ना थोड़ा सा जो आई ज्यादा ही कोई चिपचिपा सी हो गई थी, अभी ठीक हो गई है। ठीक है, रेडी हो गई है फॉर अप्लाई कलर। अब मैं सबसे पहले कलर लूंगी, बिस्मिल्लाह। अब क्या करना है, ये जो हमारी ये लिड है यहाँ से थोड़ा सा हमने ऊपर ऊपर इस तरह से इस कलर को लगाना है। ठीक है, और फिर उसको हल्के हाथ से ब्लेंड करते हैं। आगे लगाते हैं कलर को, ये जैसे कि इस तरह से कलर ये है, यानी ब्लैक नहीं है कि बहुत डार्कर सा ब्राउन है। आँख को थोड़ा सा बंद कर लीजिए ताकि हम जो है ना आँख को थोड़ा बड़ा बड़ा सा दिखा सकें। ठीक है, इस तरह से कलर को अपने फैलाते जाएं आप, लाइक दिस। ये देखिए इस तरह से हम इस कलर को जो है ना फैला के लगाते जाएंगे। और इसके बाद हम इस कलर को अच्छे से ब्लेंड भी करने वाले हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा लगाएंगे और इसके बाद ये कलर एक्चुअली में जब हमने ब्लेंड करना होता है ना, तो ब्लेंड कैसे करना है, हमने बिल्कुल एक जो है ना ब्रश होता है, बिल्कुल कह लें कि प्लेन ब्रश होता है जिसमें कलर नहीं लगा होता कोई भी, उसके साथ हम इसको फिर कलर को ब्लेंड भी करेंगे। और ब्रश जो है, एक आपको ये भी टिप बता दूं, ब्रश आपका जितना स्मॉलर होगा पॉइंट, ठीक है, उसकी टिप से, उतना ही आपका अच्छा कलर, आप अच्छी आई लुक बना सकते हैं। आपका कलर जितना, आपका ब्रश जो है सॉरी, जितना स्मॉलर होगा इन साइज में, अगर आपको ये नहीं उसका कलर जो है वो ज़्यादा ही कोई है बड़ा ब्रश, तो उससे को हैंडल करना समटाइम डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं जी। अब मैं एक थोड़ा सा बिल्कुल जैसे मैंने बताया, मेरे इस पर कोई कलर नहीं है, इसको मैं हल्के हाथ से अब इस कलर को ब्लेंड करने जा रही हूँ, क्योंकि कलर तो मैं लगा चुकी हूँ। वैसे थोड़ा सा लाइटर सा इसी शेड के अकॉर्डिंग लूँगी, लाइट है लेकिन ये कलर। और इसको इसके बिल्कुल यहाँ से बैक से पकड़ेंगे और इस कलर के बिल्कुल कॉर्नर पर बिल्कुल लाइट हैंड्स के साथ, ताकि जो लाइन बन गई है वो बिल्कुल जो है ना वो यहाँ से ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसको हम थोड़ा करते जाएंगे, आहिस्ता से आहिस्ता हैंड्स के साथ ब्लेंड ब्लेंड करते जाना है इस कलर को, ताकि हमारी ब्लेंडिंग भी अच्छे से हो जाए, ये कलर भी जो है ना इसकी जो लाइन एक बन गई है वो भी थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, ताकि हमारा जो लुक है ना वो और ज़्यादा। अब मैं थोड़ा सा पर्पल सा शेड उठा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा ये कलर इसमें डिजोल्व हो जाए ज़्यादा ही वो। तरह से हम इसको अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। ठीक है, इसको अच्छे से और ज़्यादा, अभी हमने तो ये तो ब्लेंडिंग स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, इसको अभी और बहुत अच्छे से ब्लेंड करना करना है हमें, जितना अच्छे से हो सके उतना ही अच्छे से। आंख को बंद कर लीजिए और इस तरह से इसको ब्लेंड कीजिए। वैसे एक अगर एक और ब्लेंडिंग ब्रश है उसकी मदद से, वैसे मैं पहले भी वीडियो में बताती हूँ कि इस तरह से हमें आई को ब्लेंड करना है, ब्रश दिस वन, और मैं बताती हूँ आपको इस तरह के, इस तरह से अपनी आई को पकड़ लें, आई को बंद कर लीजिए और इस तरह से ब्रश को मतलब यानी इसको ड्रैग करिए कलर को बाहर की तरफ। ठीक है, जितना आप यानी ब्रश को आप आहिस्ता हाथों से उसको कलर के ऊपर ऐसे करके टैप टैप करते जाएंगे, तो आपका जो है ना बहुत जल्द आपका कलर ब्लेंडिंग में आ जाएगा। जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये जो डार्क कलर मैंने पहले लगाया था वो लगा देंगे, ताकि वो और फिर क्योंकि हमें कट क्रीज करना है, तो लेकिन इस कलर को हमने बिल्कुल अभी यहाँ पर बहुत डार्क नहीं रखना, इसको इस वजह से हम इसको आई को इस तरह से थोड़ा सा खींच के तो अब करेंगे ना, तो वो कलर यानी जब स्किन टाइट हो जाती है तो वो फिर जल्दी जल्दी से कलर भी उसमें जो है ना पेनिट्रेट हो जाता है और जल्दी जल्दी से ब्लेंडिंग भी हो जाती है। ठीक है, तरह से कुछ लोग इस मतलब इस तरह से भी करते हैं ब्लेंडिंग, जैसा आपको इजी लगे, बट ये जो आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे स्ट्रोक्स है ना, इसके साथ आप कलर को बड़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं। इस तरह से कर लेंगे फिर भी हो जाएगा, बट मेरा तो यही टिप दूंगी कि आप इसको छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ ही
ब्लेंडिंग करते जाइए, ठीक है। अब इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम इसी ये जो था ना हमने कलर इसको ब्लैक ये जो ब्राउन था इसको यहाँ लगा के भी हम इसको भी थोड़ा थोड़ा इस तरह से ब्लेंड ब्लेंड करेंगे, ठीक है। और इससे क्या है कि हमने जो अब कट क्रीज करनी है उसकी जो फाइनल शेप देनी है वो हमें समझ भी आ जाएगी और हमारा कलर यहाँ पर भी हमारी आईज को डेप्थ देगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इधर को भी हमने इसको ब्लेंड ब्लेंड कर लेना है और अच्छे से जब काफ़ी हद तक ये कलर हमारा ब्लेंडिंग में आ चुका है तो आगे पर लेकिन ये कलर डार्क लग जाए तो कोई बात नहीं है, वी विल हैंडल इंशाल्लाह। तो ये देखिए इस तरह से आपने बस ब्लेंडिंग पे ध्यान देना है, ब्रश को यहाँ से पकड़िए और जैसे टैप टैप ऊपर करते हैं ना ब्रश को इस तरह से करिएगा तो आपका जो कलर है ना वो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि लाइट लाइटर सा शेड यहाँ ऊपर आगे लगता जाएगा और यहाँ आपका कलर बिल्कुल ब्लेंडिंग में आ जाएगा। अब हम कट क्रीज करेंगे, ठीक है। और कट क्रीज हम करेंगे वाइटर वाइट मतलब बेस के साथ ताकि हमारा जो कलर हम लगाएं वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाए। जी तो अब हम कर रहे हैं कट क्रीज पर काम, ठीक है। कट क्रीज करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बिल्कुल बारीक बारीक सी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। जी तो हमें कट क्रीज इस तरह से करनी है कि हमें एक इस तरह का लेना है बिल्कुल फ्लैट ब्रश, इस पर हम वो जो वाइट बिल्कुल वाइट बेस है दिस वन, ठीक है, इसको लेंगे और इसको हमें अगर देखिएगा गौर से यहाँ पर इस तरह से आराम आराम से इसको हमने इस तरह से पहले एक लाइन जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ताकि उसके अंदर अंदर हम अपनी जो बेस है ना वो सेट कर लेंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर ले जा रही हूँ इसको बेस को ताकि जो हमारी आई जो है ना वो बिगर बड़ी लगे, ठीक है। ये उनके लिए भी है ये ट्रिक जो खास तौर पर ड्रोपी आईज होती है, ठीक है। तो ड्रोपी आईज इस तरह से हम इसको अच्छे से पहले एक लाइन की शक्ल में देंगे शेप, ये देखिए, ठीक है। लाइन हमने ड्रॉ कर लिए, अब हम ये जो बेस है अपनी इसको यहाँ इसमें फिल कर देंगे। वाइट बेस एक्चुअली में लगाने का पर्पस क्या है, अगर बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि वाइट बेस क्यों, तो जैसे एक कैनवस होता है जब हम पेंटिंग वगैरह करते हैं उसके लिए हम लोग जो है वो ये एक ट्रिक है, वैसे मोस्टली आपको सही बताऊं तो ये एक ट्रिक है जो ज्यादातर जो लोग हैं वो नहीं बताते कि किस तरह से आप वो लोग लुक्स को क्रिएट करते हैं। अगर कलर आपका बहुत ज्यादा पिगमेंटेड भी नहीं है तब भी आप इस ट्रिक को यूज करके, यानी अगर आपका आई शेड पैलेट नॉर्मल है तो आप क्या कर सकते हो कि आप इस ट्रिक को यूज करके तो अपना जो है ना अपना आई शेड पैलेट उसकी पिगमेंटेशन काफी ज्यादा कर सकते हैं। देखा मैंने अभी सिर्फ इसको यहाँ पर लगाया, मैं थोड़ा और ऊपर कर दूंगी मेरी आंख और ज्यादा बड़ी लगेगी, ठीक है। यानी जो कलर हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अच्छा फिल वक्त तो मैं इतना कर रही हूँ, आगे भी बता देती हूँ अगर हमने इसको और भी थोड़ा हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, इससे हमारी आंख और बड़ी ही लगेगी, ठीक है। यानी जितना हम इसको करना चाहें वी कैन डू इट। और इससे क्या है मैं थोड़ा सा चले और ट्राई करके आपको दिखा देती हूँ और आज की लुक में आप जरा थोड़ा डिफरेंस देखिएगा कि इससे जो है काफी कट क्रीज करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स वेरी वेरी इजी। आप जस्ट एक दो बार की प्रैक्टिस से ही आपको सिर्फ थोड़ा सा तवज्जो से काम कीजिए और इस तरह का एक फ्लैट ब्रश लीजिए और बस इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा जी ये तकरीबन हमारा हो चुका है और माशाल्लाह से देखिएगा कि हमारी लुक यू विल अमेज्ड कि इतनी अच्छी बनी है इंशाल्लाह।
यू विल लव दिस लुक। खासतौर पर जो ब्राइडल्स हैं उनकी ये वाली लुक उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट लुक है। ये नहीं जी, ठीक है। नाउ यू कैन सी द अमाउंट, जो कि मेरी आंख काफी काफी बड़ी लगने लगी है ना, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको थोड़ा सा ना सेट कर लूंगी, बिकॉज क्योंकि ना थोड़ा सा ये बेस टाइप है, उसको थोड़ा सा ऑयली ऑयली भी होता है, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा इसको वो जो मैंने थोड़ा सा लाइट वाइट फेस पाउडर दिस वन, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा इस पर टैप टैप करूँ ताकि ये जो है ना बेस सेट हो जाए, बस ज्यादा नहीं। अब मैं दूसरी फिंगर के साथ इसको टैप कर रही हूँ, ज्यादा फेस पाउडर भी नहीं लगाएंगे, बस इतना सा ही लगाना है जिस तरह कि ये आराम से सेट हो जाए हमारी बेस, बस। नहीं जी, तकरीबन हमारी बेस सेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम जो है ना वो ये जो हमारा बाकी कलर, इसको हम वापस ड्रैग करेंगे अपनी आंख पर और इसको पूरा शेप देंगे। अब वही वाला जो जिससे मैंने कलर लगाया था वही कलर ले रही हूँ मैं, और बिल्कुल लाइट से हैंड से बिल्कुल टिप पे थोड़ा सा कलर लगा के, तो मैं यहाँ इसको क्योंकि यहाँ पर तो मेरे ब्राउन लगा हुआ है कलर, इसको तिरछा, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, तिरछी फॉर्म में मैं इसको कलर को अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर, यानी कि इस तरह से कलर इस तरह से हो, ठीक है। इस तरह से हम अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर डार्क कलर भी लगाएंगे और आगे फिर इसको करते हैं, ठीक है। अब आपको शेप खैर वाजह हो गई होगी इस तरह से करना था इसको। अब यहाँ पर हमें हल्के हाथ से बस थोड़ा थोड़ा इसको कलर को हल्का हल्का, यानी कि ये जो डार्क हो गया कलर ब्राउन वाला, इसको बिल्कुल लाइट कर देना है, लाइटर फॉर्म में कर देना है, और इसको आप जितना बस ब्रश आपने इसके ऊपर इस तरह से कर जाना है। ब्रश पे प्रोडक्ट भी आपके सामने है, बिल्कुल मैंने स्मॉल सा अमाउंट लिया था और बस, और इसी को आप इसके साथ ही टैप टैप करेंगे तो ये कलर और ज्यादा हल्का हल्का सा होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें कलर को बिल्कुल लाइटर सी फॉर्म में कर देना है, देखिए इस तरह से इसको हम करते जाएंगे और ये कलर काफी लाइटर 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 होता जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, काफी हद तक हो गया है, फिंगर की मदद से भी हम इसको थोड़ा सा इस तरह से टैप टैप कर लेंगे, तो ये यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हमारा डार्क कलर होगा, यहाँ पर हमारा लाइट कलर ही होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे जी, ये हो चुका, अब हमने करना है कि हमें थोड़ा सा ग्लिटर चाहिए। अब ग्लिटर जो है ना वो हम इससे इसके ऊपर लगाएंगे इस हिस्से के ऊपर। ओके जी, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब पहले तो मैं यहाँ ये बताऊंगी कि यहाँ सब इस स्टेप पर हम पहले तो हम लगाएंगे जी जेल आईलाइनर। उससे क्या होगा कि उससे ना हम मतलब हमारा जो वो है ना आईलैशेस आराम से पेस्ट हो जाएंगी, वरना आईलैशेस जो है ना वो जल्दी पेस्ट नहीं होती अगर हम ग्लिटर वगैरह यूज कर लेते हैं तो। अच्छा जी, इसके लिए क्या करेंगे हम आईलैशेस आईलाइनर आज मैं थोड़ा सा लगाऊंगी थिक वाला, ठीक है। तो यहाँ से मुझे इस तरह से ये देखिए आज मैं, वैसे तो मैं बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ आज, लेकिन मैं आईज को थोड़ी सी डिफरेंट सी जो दूंगी, तो मैं जो है ना अपना इस तरह से, अगर आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि कितना मतलब हमें उठाना है, यहाँ पर एक लाइन लगा लीजिए आप सीधी, ठीक है, और इसका फिर लाइन को इसके ऊपर ले आइए इस तरह से, ठीक है, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा। अब मैं इसको फील कर रही हूँ जो मैंने लगाया है लाइनर, ठीक है, ड्रैग करेंगे हम इसको थोड़ा सा बाहर,
इसको आप सारा फिल इन अप कर देंगे। ये लग चुका हमारा लाइनर। अब हम क्या करेंगे, अब मैं जो हूँ ना आई लैशेज वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद आई विल पेस्ट ग्लिटर के चंक्स। ठीक है, अब मैं मस्कारा ले रही हूँ, एसेंस का ये लैश मस्कारा। ठीक है, काफी अच्छा है, क्रीमी है और ब्रांड का है ज़ाहिर है। इससे आई लैशेज थोड़ी थिक लगने लग जाती है अजहूदी। तो इसको हम करेंगे, अभी मैं लोअर लैश पर कुछ नहीं लगाया, वो भी हम लगाएंगे। देखिए आप थिकनेस देख सकते हैं आई लैश की, मतलब इससे काफी ज्यादा आई लैश हमारी जो है ना वो थिक लगती है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, नहीं तो आपके पास जो भी मस्कारा है आप वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बाद में। ठीक है, अब आई लैशेज की बारी आती है, उसके बाद ग्लिटर की। जी तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने आई लैश लगा चुकी हूँ। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा सीलर लगाऊंगी अपनी आंख पर। सीलर मतलब वो होता है कि जो हमारी आंख पर जो है ना वो ग्लिटर वगैरह को पेस्ट कर देता है अच्छी तरह से, तो वो मैं अपनी आंख पर लगा रही हूँ। और आप चाहें तो फिंगर की मदद से भी लगा सकती हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिंगर की मदद से लगा लेते हैं इस तरह से। और ये है जी क्रिस्टीन का ये सीलर है। ठीक है, काफी अच्छा है, आप इसको एज आई शाइनर भी यूज कर सकते हैं आपकी आईज पर, फोरी तौर पर। मतलब अब मैं ये जैसे लगा रही हूँ तो ये भी एक कम्प्लीट लुक है। अगर मैं ना भी इसके ऊपर ग्लिटर लगाऊं तो इट्स कम्प्लीट एज इट इज, बट ग्लिटर लगाना। अब मैं क्या करूँगी, ग्लिटर्स के जो चंक्स हैं ये उठाकर अपनी आंख पर लगा रही हूँ। सिर्फ ब्रश पर लगा ही हुआ है जो है। सीलर लगा हुआ है, बस हमने यहाँ पर ग्लिटर्स के चंक सीलर पे लगाना है। आप देखिए गिर भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको पहले बाद में लगाती ना फिर बड़ा मसला होना था कि ना फिर आई लैशेज भी नहीं लगती और ये वो काफी इशू हो जाते हैं। इस वजह से मैं जी, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ग्लिटर के जो चंक्स थे वो अपनी आंखों पर आई लिड पर अच्छे से लगा ली है। आप चाहें तो आप छोटे वाला ग्लिटर भी लगा सकते हैं, ये ग्लिटर भी काफी खूबसूरत लगता है और डिफरेंट सा लगता है। ठीक है, तो ये थी आई ग्लिटर्स। जी जनाब, तो ये हमारी फाइनल लुक क्रिएट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी माशाल्लाह खूबसूरत थी और आसानी के साथ हमें लुक क्रिएट की है। यू कैन सी द ब्यूटी एंड द चार्म। यस, यू कैन क्रिएट दिस लुक ऑन वेडिंग सीजन ऑन एनी इवेंट। तो काफी अच्छी आपको ये लुक लगेगी, आई होप सो। तो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप अपनी सहेलियों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी आपकी जो है ना पूछ सके कि यार तुम्हें कहाँ से इतना अच्छा मेकअप कराया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे से मेकअप के साथ जरूर आपकी खिदमत पे हाजिर होंगी। तो
जी ठीक है, मेरे चैनल मेकअप ग्रामर को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो इंशाल्लाह मैं और भी बहुत एक्साइटिंग मजे की लुक्स लाऊंगी, और शादी की जैसे कि शादी वगैरह के मेहंदी वगैरह के सीजन के लिए भी, और पार्टी मेकअप से भी बहुत सारी लुक्स जो है इजी वे में आपको सिखाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझे चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं मेकअप ग्रामर बाय सादिया के नाम से हूँ, वहाँ पर भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।